हेलो एवरीवन, तो ये बीपीएससी मेंस से रिलेटेड वीडियो है। इस वीडियो में हम बीपीएससी के मेंस परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम एक मॉडल आंसर की तरह पढ़ेंगे, ताकि जो लोग नए से राइटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आंसर में क्या लिखा जाना चाहिए क्या नहीं, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि एक मॉडल आंसर दिया जाए, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि आंसर में क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है। इन सब से जुड़े चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिलेगा। तो इस वीडियो में हम मेन रूप से क्विट इंडिया मूवमेंट से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का जो क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, यानी कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में लोगों की भागीदारी का वर्णन करें, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये 60वीं से 62वीं का क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्विट इंडिया मोमेंट का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू क्यों किया गया था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें जो अंग्रेज थे वो भारतीयों का विश्वास हासिल करने के उद्देश्य से क्या किए कि 22 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया था। अब क्रिप्स मिशन जो था वो भारत को ये आश्वासन दिया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें युद्ध की जब वो समाप्ति हो जाएगी तब उन्हें भारत को ये आश्वासन दिया गया कि भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो इस क्रिप्स मिशन को क्या बोले, पोस्ट डेटिक चेक कहते हुए इस मिशन को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो इस प्रकार जो क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था उसमें जापान की लगातार असफलता मिली जा रही थी, तो उससे क्या हुआ कि भारतीय लोगों के मन में एक बड़ा जन आंदोलन करने का प्रेरणा मिला कि जब जापान इतना छोटा सा देश है वो कर सकता है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं अपनी आज़ादी पा सकते हैं, क्यों नहीं अपना भारत देश को हम औपनिवेशिक बना सकते हैं, अंग्रेजों को क्यों नहीं भगा सकते हैं। तो इसी को लेकर जो है बॉम्बे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट इट्स मीटिंग इन बॉम्बे, सॉरी यहाँ पे 5 अगस्त लिखा गया है लेकिन यहाँ पे क्या होगा 8 अगस्त होगा, आप इसे सुधार कर लीजिएगा 8 अगस्त 1942। ये मैं पीडीएफ में सुधार कर दे दूँगी, यहाँ पे आप 5 अगस्त ना पढ़कर 8 अगस्त पढ़ें। तो बॉम्बे में एक बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो था वो 8 अगस्त 1942 को पास द फेमस रिजोल्यूशन लेटर कॉल्ड द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, तो एक प्रसिद्ध प्रस्ताव को पारित किया गया, उसी को बाद में क्विट इंडिया रिजोल्यूशन कहा गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इट वॉज हेयर दैट महात्मा गांधी गेव द फेमस स्लोगन ऑफ डू और डाई टू द कंट्री फेलो में, यहीं पर जो था वो महात्मा गांधी जो थे वो भारतीयों को एक अपना महत्वपूर्ण नारा दिए थे, एक प्रसिद्ध नारा दिए थे जो क्या था, डू और डाई, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने दिया था। ये तो हो गया कि हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हैं, उसका कुछ हमने बैकग्राउंड जाना और इंट्रोडक्शन में हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया थ्रू एन ओपन चैलेंज टू द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म बाय आस्किंग द गवर्नमेंट टू क्विट दिस कंट्री टू एनेबल द पीपुल टू रजिस्ट Whoever wanted to dominate India, whether it is British or Japanese. तो भारत जो था वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को एक खुली चुनौती दिया, भारत जो था वो ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को, कि वो ये छोड़ दे, ये देश को छोड़ दे, ताकि जो भी भारत पर हावी होना चाहता है वह विरोध कर सके, चाहे वह ब्रिटिश हो या जापानीज। यानी कि ये जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसके साथ ही जो भारतीय थे वो अंग्रेजों को
अंग्रेजों को वो फोर्स करने लगे कि आप इस कंट्री को छोड़िए। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट बिहार डिस्प्लेड अ ब्रेवरी विद अनफ्लिंचिंग डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ मोस्ट रूथलेस रिप्रेशन मेनी अर्न्ड मार्टिरडम इन द प्राइम ऑफ लाइफ। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार जो था वो निर्मम दमन के विरोध में अडिग संकल्प के साथ बहादुरी का प्रदर्शन किया। इसमें कई लोग जो थे वो शहीद भी हुए, कई लोगों ने शहादत भी अर्जित की थी। बढ़ते हैं आगे। तो आगे है क्योंकि इसमें जो था वो क्वेश्चन में कि मुख्य रूप से बिहार में जन भागीदारी का वर्णन करना है, तो इसमें आपको बिहार से जुड़े लोगों को, बिहार में कौन कौन सी घटनाएं हुई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये सारे पॉइंट्स को आपने आपको इसमें ऐड करना है। तो आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द पायोनियर अमॉन्ग द कांग्रेस लीडर्स फ्रॉम बिहार एंड अंडर हिज लीडरशिप ए ड्राफ्ट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इंडिया मूवमेंट इन बिहार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार के कांग्रेस नेताओं में अग्रणी थे और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का जो था वो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का, क्विट इंडिया मूवमेंट का एक खाका तैयार किया गया था। राजेंद्र प्रसाद वॉज अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1942 एंड वॉज टेकन टू बांकीपुर जेल। तो 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो भारत रक्षा अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन्हें बांकीपुर जेल में ले जाया गया, वहां पे उन्हें रखा गया था। अदर लीडर्स लाइक फूलन प्रसाद वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा एंड अदर्स वेयर आल्सो अरेस्टेड। तो और भी कुछ नेता थे बिहार के, जैसे कि फूलन प्रसाद वर्मा थे, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, और भी कुछ प्रमुख लीडर्स थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। द कांग्रेस ऑफिसर्स एंड दोज ऑफ एलिड ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पुलिस टुक पोजेशन ऑल ऑफ देम। तो इन सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेज दिया गया और कांग्रेस को कांग्रेस का जो भी कार्यालय था या उससे जो संबंधित संगठन थे उन सबको अंग्रेजों के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। और जो पुलिस था, यानी कि जो ब्रिटिश पुलिस थे, कांग्रेस के सारे संगठनों को, कार्यालयों को अपने कब्जे में ले लिए। स्टूडेंट प्लेड अ हेरोइक रोल इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो जो स्टूडेंट्स थे उसमें उन्होंने भी एक वीरतापूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कैसे? तो दे वेयर इंस्पायर्ड बाय द मंत्र ऑफ डू और डाई। तो वो किस चीज़ से प्रेरित थे? तो वो करो या मरो का जो मंत्र दिया था गांधी जी ने, उसी से वो प्रेरित थे। ऑन 11 अगस्त 1942 एट पटना, स्टूडेंट्स एग्जिबिटेड अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ हेरोइज्म एंड मार्टिरडम एट द अल्टर ऑफ लिबर्टी। तो 11 अगस्त 1942 को पटना में छात्रों ने स्वतंत्रता के परिवर्तन पर वीरता और शहादत का एक उत्कृष्ट आदर्श जो थे वो प्रदर्शित किए, यानी कि वो आज़ादी के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदर्शित किए थे अपनी वीरता और शहादत के जरिए। शहीद दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, जो उन्होंने अपनी शहादत दी उसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। On that day, a huge procession of students marched in afternoon with a view to hoist national flag on the building of Patna Secretariat. तो उस दिन पटना सचिवालय के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की दृष्टि से, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की दृष्टि से जो वो छात्र थे उनका एक विशाल जुलूस निकला। At about 4:57 p.m. under the orders of district magistrate of Patna, 13 or 14 rounds were fired फ्रॉम द प्रसिंग्स ऑफ सेक्रेटेरिएट एट द अप्रोचिंग प्रोसेशन। तो लगभग 4:57 पर, शाम के 4:57 पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे पटना के, कौन थे? तो डब्ल्यू जी आर्चर थे। उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर देना अच्छा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पटना डब्ल्यू जी आर्चर। उन्हीं के आदेश पर 13 या 14 राउंड, यानी कि 13-14 राउंड जो था वो, जो उधर से जुलूस आ रहा था छात्रों का, उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया डब्ल्यू जी आर्चर ने। एज ए रिजल्ट 7 students वेयर किल्ड, अबाउट 25 वेयर सीरियसली इंजर्ड एंड सम रिसीव्ड माइनर इंजरीज। तो उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 7 छात्र जो थे वो जुलूस में से मारे गए, लगभग 25 गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ थे उनको मामूली
चोटें आई थी। तो अगर आपको अब उन 7 छात्रों का नाम याद होगा तो आप वो ऐड कर सकते हैं। 7 छात्र, वैसे मैं बता देती हूँ वो कौन कौन से थे, आप आंसर में ऐड करेंगे तो ठीक है, और अगर नहीं भी ऐड करना चाहते हैं तो भी ठीक है। 7 छात्रों में थे उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार सिंह, देवीपद चौधरी तथा राम गोविंद सिंह। ये जो 7 छात्र थे ये शहीद हुए थे, और इन्हीं 7 छात्र जो शहीद हुए थे इसी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। द नोबल सेक्रीफाइस ऑफ 7 स्टूडेंट्स इंटेंसिफाइड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन द प्रोविंस ऑफ बिहार। वाइड स्प्रेड पॉपुलर अपहेवल ब्रोक आउट स्पॉन्टेनियसली। तो क्या हुआ कि ये जो 7 लोगों 7 छात्रों जो ये बलिदान दिया था, 7 छात्रों का जो वो नेक बलिदान था, वो बिहार प्रांत में भारत छोड़ो आंदोलन को और तेज कर दिया और उग्र बना दिया आंदोलन को। व्यापक रूप से लोकप्रिय उथल पुथल जो था वो अनायास ही फैल गई। तो चारों तरफ उथल पुथल मच गई पूरे बिहार में इन 7 छात्रों के नेक बलिदान को लेकर। पूरी तरह से जो आंदोलन था वो बिहार में उग्र हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली इट टर्न वायलेंट ओकेजनली। तो ये मैंने बात बताई कि दुर्भाग्य से जो ये आंदोलन था ये प्रासंगिक ढंग से जो था वो हिंसक रूप में बदल गया था बिहार में। एजिटेटर्स अपरूटेड रेलवे लाइंस, डैमेज टेलीग्राफ वायर्स एंड टेलीफोन वायर्स, अटैक्टेड सम प्लेसेस, बर्न पुलिस स्टेशन, सीज्ड पोस्ट ऑफिसेस एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। दिस लेड टू द क्लैशेस विथ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो क्या हुआ कि आंदोलनकारी जो थे वो बिहार के वो रेलवे लाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिए, टेलीग्राफ तार थे, जो टेलीफोन वायर था उन सबको क्षतिग्रस्त किया गया, कुछ जगहों पर हमला भी किया गया, जो भी पुलिस स्टेशन थे उनको जलाया गया, डाकघर जो थे या अन्य कुछ सरकारी भवन थे उनको भी जब्त कर लिया गया या उन पर भी हमला किया गया, किसी किसी को जला दिया गया। ये सब कार्य जो थे वो आंदोलनकारियों के द्वारा बिहार में किया गया। दिस लेड टू द क्लैशेस विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो इससे क्या हुआ कि जब ये लोग उथल पुथल पूरा मचाने लगे बिहार में, पुलिस स्टेशनों को जलाया जाने लगा, ये सब जो भवन थे सरकारी भवन इन सबको जब क्षतिग्रस्त किया जाने लगा तो प्रशासन और लोगों में काफ़ी झड़प भी हुई। But this violence was unplanned and a spontaneous outburst against the ruthless oppressive measures of the government. Neither the Congress nor its leaders sanctioned violence by the people. तो ये जो हिंसा थी, ये जो किया गया था वायलेंस, ये अहिंसा जो थी ये अनप्लान थी, यानी कि इसकी किसी ने योजना नहीं बनाई थी। जब 7 छात्र शहीद हो गए तो उन्हीं को लेकर ये आंदोलन जो था वो उग्र हो गया, जबकि इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमें इस तरीके से आंदोलन करना है। और सरकार के निर्मम दमनकारी उपायों के खिलाफ एक असंतोष फैल गया। न तो कांग्रेस और न ही उसके नेताओं ने लोगों द्वारा हिंसा को मंजूरी दी, यानी कि कांग्रेस जो था या उसके और भी जो लीडर्स थे वो लोगों को ये मंजूरी नहीं दिए कि आप आंदोलन करिए, आप तोड़फोड़ मचाइए। लेकिन उन 7 छात्रों की शहादत की वजह से लोगों में उग्रतापन आ गया और उन लोगों ने इस तरह से आंदोलन को अंजाम दिया। ऑन द अदर हैंड द मूवमेंट हैड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स एज वेल। इट एम्फसाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पीपल्स रूल बाय बिल्डिंग अ फोर स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट फ्रॉम बॉटम। एक्सपेरिमेंट्स इन दिस काइंड ऑफ पंचायती राज वर सक्सेसफुली मेड एट सम प्लेसेस स्पेशली इन सहरसा एंड सुपौल एरिया। तो एक तरफ तो ये जो आंदोलन था वो उग्र रूप था इस आंदोलन का, दूसरी तरफ इस आंदोलन के कुछ रचनात्मक पहलू भी थे। इसमें राष्ट्रीय सरकार के 4 ढांचे का निर्माण करके लोगों के शासन की स्थापना पर जोर दिया गया। इस तरह पंचायती राज के प्रयोग कुछ स्थानों पर किए गए, जैसे कि सहरसा और सुपौल का जो क्षेत्र है इस पे, इन जगहों पर सफलतापूर्वक पंचायती राज का किया गया, पंचायती राज को स्थापित किया गया। Intense government repression drove discontent underground. Many patriots of Bihar flew to Nepal, Tarai. There they received sympathy and assistance from local people. तो तीव्र सरकारी दमन जो था वो असंतोष को भूमिगत कर दिया, यानी कि जो भी नेता थे, जो भी देशभक्त थे कुछ, वो नेपाल की तराई में भाग गए। वहाँ पे उन लोगों को कुछ स्थानीय लोग थे नेपाल के, वहाँ से उन्हें सहानुभूति और सहायता प्राप्त हुआ।
दे कलेक्टेड आर्म्स एम्यूनिशन स्पीयर्स एंड सर्टेन अदर वेपन्स। वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, वो लोग भूमिगत हो गए थे पूरी तरह से, और वहाँ पे वो लोग हथियार, गोला बारूद, भाले और कुछ अन्य हथियार एकत्रित कर रहे थे। सम फ्रीडम फाइटर्स कन्फाइंड इन हजारीबाग जेल एस्केप्ड इन अ मिरेकुलस वे ऑन दिवाली 9 November 1942। तो कुछ जो लीडर्स थे वो, कुछ स्वतंत्रता सेनानी जो थे, कुछ लीडर्स जो थे वो हजारीबाग जेल से भाग गए थे दिवाली की रात पर 9 नवंबर 1942 को। और उन नेताओं में से जो भाग गए थे वो कौन कौन से थे, जयप्रकाश नारायण थे, रामानंद मिश्रा थे, शालिग्राम सिंह थे, ये बनारस की तरफ चले गए। इन नेपाल द बिहारी हीरो लाइक जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, राम मनोहर लोहिया एटसेट्रा ऑर्गेनाइज द आज़ाद दस्ता टू सर्व द कंट्री। तो नेपाल में कुछ, बिहार के कुछ लोग थे वो, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, ये कुछ लीडर्स थे, सूरज नारायण सिंह थे, राम मनोहर लोहिया थे, इन लोगों ने मिलकर आज़ाद दस्ता का निर्माण किया। किस लिए, टू सर्व द कंट्री, देश की सेवा करने के लिए आज़ाद दस्ता का आयोजन किया गया। बट देवर अरेस्टेड इन मई 1943 एंड वर कन्फाइंड टू हनुमान नगर जेल। लेकिन मई 1943 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें हनुमान नगर जेल में भेज दिया गया। बिसाइड्स दीज एक्टिविटीज ऑफ आजाद दस्ता एंड अदर रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स, साइलेंट एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क्स वेयर कैरिड ऑन बाय द कांग्रेस मैन हु वेयर आउटसाइड द प्रिजन वार्स, दे केप्ट अलाइव एंथुसियाज्म फॉर नेशनल स्ट्रगल। तो आजाद दस्ता और कुछ अन्य क्रांतिकारी समूहों की इन गतिविधियों के अलावा कुछ कांग्रेसियों के द्वारा मुक और रचनात्मक कार्य किए गए जो जेल की सलाखों से बाहर थे, यानी कि जो लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया था वो कुछ अन्य रचनात्मक कार्य कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष के लिए उत्साह बनाए रखा। तो इस तरह से ये आंसर कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पॉइंट्स जानना चाहें तो आप ये एक बोल सकते हैं कि जो भागलपुर में था सियाराम दल का निर्माण किया गया, सियाराम सिंह जो थे भागलपुर के, इन्होंने भागलपुर में सियाराम दल का गठन किया। और ये दल क्या था, तो ये एक गुप्त सशस्त्र संगठन था। ये संगठन क्या करता था कि जो भी नौजवान लोग थे उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की तथा जो छापामार युद्ध होता है, जो गुरिला वार होता है, उसकी रणनीति सिखाई जाती थी इस सियाराम दल में। इसके अलावा भी आप ये ऐड कर सकते हैं कि अरुणा आसफ अली जो थे वो, अरुणा आसफ अली के द्वारा, या कुछ अभी हमने पढ़ा कि रचनात्मक कार्य किए गए कुछ अदर लीडर्स के द्वारा जो कि जेल की सलाखों से बाहर थे। तो इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो गुप्त रेडियो का संचालन किया गया था अरुणा आसफ अली के द्वारा, तो इन सब के द्वारा ये सब चीज़ें बिहार में की गई थी। और इस तरह से आप बिहार में क्या क्या मुख्य रूप से आपको ऐड कर देना है, जो वो शहीद दिवस का जो 7 छात्रों की जो गोलीकांड हुई थी उसके बारे में, मुख्य रूप से बिहार में आपको जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों की जो भी कार्य हैं, आजाद दस्ता का निर्माण, इस सब का आप इसमें चर्चा कर देंगे तो ये आंसर पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। PDF आप टेलीग्राम से ज़रूर ले लीजिएगा ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।